नेशनल अवार्ड कंट्रोवर्सी पर अक्षय कुमार हुए आग बबूला। अक्षय ने ओपनली रखी इस पूरे इशू पर अपने दिल की बात। अक्षय कुमार ने दिया आलोचकों को करारा जवाब। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जब से अक्षय कुमार को उनकी फिल्म रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है, तभी से इसका कई लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। 64th नेशनल अवार्ड्स के जूरी में मौजूद डायरेक्टर प्रियदर्शन पर लगा अक्षय को फेवर करने का इल्जाम। और आम लोग तो आम लोग, बॉलीवुड से भी कई लोगों ने इस इशू पर अपनी आवाज उठाई थी। गजनी जैसी सुपरहिट फिल्म के मेकर रहे एआर मुर्गाडॉस ने जहां ट्वीट करके इस बारे में नेशनल अवार्ड्स पर ही सवाल उठा दिया, तो वहीं शाहिद जैसी फिल्म के लिए ऑलरेडी नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी उठाई नेशनल अवार्ड्स के खिलाफ अपनी आवाज। हालांकि उन्होंने बाद में ये साफ किया कि उनका ये विरोध किसी पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ नहीं है। और अब अपने एक इंटरव्यू में अक्षय का इन सभी विरोधियों पर फूटा है गुस्सा। अक्षय ने साफ कहा कि वो बॉलीवुड में 25 साल से पूरे शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और आज तक उन्होंने किसी से भी किसी मूवी या अवार्ड को पाने के लिए फेवर नहीं लिया। आगे अक्षय ने ये भी कहा कि जहां तक प्रियदर्शन की बात है, प्रियदर्शन ने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में इस बात को कर दिया क्लियर और अक्षय प्रियदर्शन के उसी स्टेटमेंट को सेकंड करते हुए दिखाई दिए। दरअसल प्रियदर्शन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय कुमार डिजर्व द अवार्ड एंड वी गेव इट टू हिम। देयर वर अ टोटल ऑफ 38 जूरी मेंबर्स विद मी ऑन दिस। हाउ कैन यू क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ सो मेनी पीपल। रमेश सिप्पी हेडेड द जूरी लास्ट ईयर व्हेन ही गेव बेस्ट एक्टर टू अमिताभ बच्चन फॉर पीकू। व्हाई डिडंट एनीवन क्वेश्चन हिम। अब अक्षय के इस जवाब के बाद शायद उन्हें नेशनल अवार्ड दिए जाने का विरोध कर रहे लोगों का मुंह बंद जरूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.